जिस तरीके से सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको बस बूस्ट कर देना है। तो भाई जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अपने पोस्ट को जो भी आप अगर रील्स उसको बूस्ट कैसे करते हैं सिंपली इजी तरीके से, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो जैसे अपना जो प्रोफाइल में जो रील्स का ऑप्शन होता है उस पर आएंगे तो आपकी जो रील्स है वो सारी दिख जाएंगी, बट यहाँ पर नीचे आपको बूस्ट का ऑप्शन नहीं दिखता। अब आपको बूस्ट कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। आप रील्स के बगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखो इस तरीके का पेज ओपन होगा। देखो अभी साइड वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ से आप किसी भी रील्स को नीचे देख सकते हो, उसमें बूस्ट का ऑप्शन आता है जहाँ से आप बूस्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक रील्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बूस्ट नाउ पे क्लिक करके, फिर यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बस कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो मोर प्रोफाइल विजिट, अगर आप प्रोफाइल पर ऑडियंस की लैंडिंग पेज जो भी है ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो कि वो आपके प्रोफाइल से विजिट करें तो यहाँ पर, और अगर आप कोई वेबसाइट ऐप की वहाँ से विजिट करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपने जो वेबसाइट का URL पेस्ट करना होगा और एक्शन बटन ऐड करना होगा। नीचे बहुत सारी एक्शन बटन आपको दिख रही हैं, कोई सा भी एक्शन बटन आप सेलेक्ट कर लेते हो। अगर मैसेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप WhatsApp आपको लिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको दूसरी जगह पर आपके मैसेजेस आएंगे। तो अगर WhatsApp लिंक करना चाहते हो उसकी वीडियो इन स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो ऑडियंस सेलेक्ट करना होता है तो ऑटोमेटिक जो भी कोई भी ऑडियंस आपके मतलब यहाँ पर आपको विजिट कर सकती है प्रोफाइल से या फिर आपकी वेबसाइट से। अगर आप इंटरेस्टेड करना चाहते हो तो यहाँ से देखो ऑप्शन मिल रहा है आपको जहाँ से आप अपना इंटरेस्टेड ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन इंटरेस्टेड ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ टारगेट ऑडियंस करनी पड़ेगी, जैसे कि नहीं पता रहेगा कि आपको कौन से ऑडियंस किस प्रकार के ऑडियंस चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस का नेम यहाँ पर कर देता हूँ और उसके बाद लोकेशन ऐड करता हूँ, कोई सा भी लोकेशन यहाँ पर सर्च करके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लोकेशन ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पर डाला, पर फिल किया, सॉरी यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पर फिल करते हैं। उसके बाद देखो ऑडियंस की साइज देख सकते हो आप, 3.8 मिलियन से लेकर 3.2 मिलियन तक, बट अभी मैं इसको और इंक्लूड करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं और भी टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने उत्तर प्रदेश इंडिया सेलेक्ट किया। और इसके बाद अब देखो ये मेरी ऑन यहाँ पर क्रिएट योर ऑन ऑडियंस हो चुकी है। यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर अभी अपना ऑडियंस को टारगेट किया है तो मैं इन टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करके आगे का नेक्स्ट प्रोसेस करता हूँ। अब यहाँ पर देखो अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हो, कैसा भी बजट हो, अगर आपका ज़्यादा भी यहाँ पर बजट रख देते हो और फिर भी आपका जो पेमेंट हो आपको यहीं पर रहने वाला कहीं जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पर बूस्ट नाउ पे क्लिक करके, जैसे बूस्ट नाउ पे क्लिक करोगे रील्स पर, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ से कोई भी तरीके से आप पेमेंट मेथड यहाँ पर देख सकते हो, जैसे UPI से करना है इस पर क्लिक करके आपको रिक्वेस्ट जाएगा फ़ोनपे पर, वहाँ से आप UPI रिक्वेस्ट वहाँ जाएगा तो वहाँ से आप पे कर सकते हो डायरेक्ट। पे करने के बाद पूरा प्रोसेस यहाँ पर बैकग्राउंड से हटा देना, फिर से रील्स को बूस्ट करने का ऑप्शन जहाँ से आता है वहीं से प्रोसेस को कम्प्लीट करना, सेलेक्ट करना और दूसरी बार में आपका ये बूस्ट हो जाने वाला है। तो इस तरीके का सारा प्रोसेस था जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपको रील बूस्ट। और अब जो इसके बाद जो पेज ओपन होने वाला है कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो भाई इस तरीके का पेज ओपन होगा जो यहाँ पर UPI अपनी ID यहाँ पर फिल करनी है, तो मैं एक UPI इनवैलिड ID फिल करता हूँ जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप। कुछ भी यहाँ पर जो भी आपके फ़ोनपे से लिंक हो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी आपका लिंक हो कोई भी जी यहाँ पर UPI ID वो यहाँ पर फिल कर दो। और जैसे ही आप यहाँ पर UPI ID फिल करते हो, फिल करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाता है। जैसे आप फिल करते हो अपनी ID रियल ID, तो उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करके उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद फ़ोनपे से आप इसको पे कर देना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।